नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल ग्रुप चैनल पर। आज हम केटोरॉल डीटी टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। केटोरॉल डीटी टैबलेट का मुख्य उपयोग दांत में दर्द होने की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में अधिक विस्तार से जानते हैं। यह टैबलेट कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफेक्ट्स है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज कंपनी की 15 टैबलेट की यह स्ट्रिप आपको 134 रुपये में डॉक्टर के पर्ची पर किसी भी मेडिकल स्टोर्स पर आसानी से मिल जाएगी। बात करते हैं इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। केटोरॉल डीटी टैबलेट में केटोरोलैक ट्रोमिथेमाइन आईपी 10 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद केटोरोलैक यह एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। यह कुछ विशेष केमिकल मैसेंजर के स्त्राव को रोकती है जिनके कारण दर्द और इन्फ्लेमेशन होता है। बात करते हैं इस टैबलेट की यूजेस की। डॉक्टर इसे किन किन समस्या में इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग दर्द की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है और साथ ही सिर दर्द, जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द, दांत में दर्द, बदन दर्द, टांगों में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, आँखों में एलर्जी, आँखों की सूजन, आँखों की बीमारी, आँख का संक्रमण, आँखों से पानी आना और आँखों में दर्द होना, इन सभी समस्याओं में डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं यह टैबलेट लेने से पहले हमें क्या क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि बताए गए साइड इफेक्ट महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट से आपको उल्टी, अपचन, पेट दर्द, मिचले आना, डायरिया, सीने में जलन होना और भूख में कमी यह साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बात करते हैं यह टैबलेट लेने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी या फिर कोई साइड इफेक्ट महसूस होते हैं तो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। यदि आप कोई और मेडिसिन ले रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को तुरंत बात करिए ताकि आपको ओवर डोज या फिर ड्रग इंटरेक्शन ना हो। यदि इस टैबलेट का इस्तेमाल गर्भवती महिला या फिर स्तनपान करने वाली महिलाओं को करना हो तो गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ले, उसके बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। यदि आपको लीवर या फिर किडनी जुड़ी कोई भी समस्या हो तो इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। यह टैबलेट लेने से पहले या फिर बाद में अल्कोहल का प्रयोग ना करें और यह टैबलेट लेने के बाद ड्राइविंग ना करें। बात करते हैं इस टैबलेट के डोज के बारे में। आप अपनी समस्या और एज बताकर इस टैबलेट का डोज आप अपने डॉक्टर या फिर फार्मेसी से पूछ लें। याद रखें दोस्तों, हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोगी की स्थिति, रोगी की आयु और अन्य कारणों के आधार पर इस टैबलेट का डोज अलग हो सकता है, इसलिए इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर के सलाह के अनुसार करें। एडल्ट व्यक्ति एक टैबलेट खाना खाने के बाद ले सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेडिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।